हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप ज़्यादा समय तक अपने फ़ोन की बैटरी को चला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, जो भी ऐप आप चलाते हैं उसे ऐसे ही बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं, इससे फ़ोन की बैटरी भी जल्दी ख़त्म होती है और आपका जो डाटा है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप ऐप को चला लें तो उसे बैकग्राउंड से हटा दें, इससे फ़ोन की बैटरी भी बचेगी और आपका डाटा भी बचेगा। तो इतना आपको करना है और इतना करने के बाद अब फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब यहाँ पर चेक करना है फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहेगा तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना। ऐसा करने से फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहती है सब ठीक हो जाती है और फ़ोन सही चलता है। बैटरी में कोई इशू रहता है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट आप कर लेना चेक करके। इतना करने के बाद अब देखिए, अगर आप चाहते हैं आपके फ़ोन की बैटरी और भी ज़्यादा समय तक चले तो आपके फ़ोन में दिया होगा पावर सेविंग मोड या फिर बैटरी सेवर। तो इस सेटिंग को आप ऑन कर लें, इससे फ़ोन की बैटरी और भी ज़्यादा चलेगी। तो इतना आप कर लेना। इतना करने के बाद अब देखिए, जो फ़ोन का पावर बटन है जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और ऐसा करने से फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फ़ोन के सिस्टम सेटिंग में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो ठीक हो जाएगी। तो इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।